This device is used to measure atmospheric pressure. अब इस डिवाइस में रख होता क्या है? तो इस डिवाइस में हम लोग देखते हैं एक ट्यूब जो जनरली 1 मीटर का लेते हैं, जनरली 1 मीटर हाइट का लेते हैं, और इस और एक बर्तन रहता है, जिस बर्तन में और ट्यूब में भरा रहता है मरकरी HG, मरकरी भरा रहता है। आप यदि ऐसे देख रहे हैं मरकरी भरा हुआ बर्तन में और ट्यूब पे, बैरोमीटर, दिस डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, और आप क्या करते हैं इसको कवर कर दो, पहले इसे कवर कर दो, और दो एक ट्यूब हुआ जिसमें आपने रखा और मरकरी, और दूसरा बर्तन है इसमें भी मरकरी रखा हुआ है, और इसे इन्वर्टेड करके लाके रखकर यहां इस बर्तन के ऊपर ओपन कर दो ट्यूब, जस्ट उल्टा करके बर्तन के ऊपर रख दो, तो क्या दिखेगा कि मरकरी अपने वेट के कारण कुछ नीचे आ गया, मरकरी अपने वेट के कारण कुछ नीचे आ गया, और ये जो कुछ पार्ट है यहां वो खाली रह गया, और ये मान लेते हैं कि H जो है ये हाइट है जो जो मरकरी यहां मौजूद दिख रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में अब आप देख रहे हैं। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि लिक्विड कॉलम के कारण जब आप हाइट देखते हैं तो लिक्विड के एक फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, और लिक्विड के एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में लिक्विड यदि रुका हुआ है तो निश्चित रूप से प्रेशर एक जैसा होगा। यहां जो देखेंगे और यहां जो देखेंगे, यहां जो प्रेशर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 और यहां जो प्रेशर देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, इन दोनों जगहों पे जो प्रेशर होगा वो एक जैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 पे कौन होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहां एटमोस्फेयर है मौजूद, और 2 पे कौन होगा? तो 2 पर हम चेक करेंगे तो 2 पे कौन मौजूद है? तो मरकरी का डेंसिटी रो मान लिया जी, और एच हाइट है ना कॉलम का तो रो जी एच, ये 2 वाला पॉइंट का प्रेशर है। इस भीतर में चूंकि कुछ तो नहीं था क्योंकि पूरा ट्यूब मरकरी से भरा था, और बड़े सावधानी से आपने उल्टा करके रखा है बर्तन जिस मरकरी में भरा हुआ है उसके ऊपर ट्यूब के ऊपरी हिस्से को, तो यहां अभी भी क्या होगा? कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा एयर का, इसे आप कहते हैं वैक्यूम। और यदि यहां वैक्यूम है तो इसका मतलब वहां कोई प्रेशर नहीं है, कोई गैस ही नहीं है तो प्रेशर आएगा, गैस होता मॉलिक्यूल होते टक्कर होती तो प्रेशर, यहां तो कोई गैस ही नहीं है कोई प्रेशर नहीं। अब आप बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड आप देख रहे हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में P1 और P2 जो है वो बराबर होगा, तो P1 कितना है? P0, और ये P2 किसके बराबर है? रो जी एच। तो जनरली देखा गया है कि P0 जो होता है ये 1 एटम आप कह देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि जनरली 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये देखा ये गया है कि ये जो वैल्यू देखते हैं उस समय ये जो एच होता है, एच हमें मिल जाता है 76 सेंटीमीटर, तो इस वजह से हाइट बोल करके हम प्रेशर की बात करते हैं, 1 एटम किसके बराबर कह देते हैं? 76 cm
एचजी कॉलम प्रेशर। सेवेंटी सिक्स सीएम एचजी कॉलम प्रेशर। चूंकि डेंसिटी पानी के रेस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है मरकरी का, तो 13.6 टाइम्स ज्यादा होने के कारण मरकरी का 13.6 टाइम्स ज्यादा होने के कारण यदि हम पानी का ट्यूब लेते तो ये 76 जो है ना 76 × 13.6 सेंटीमीटर हाइट हो जाता, तो 7-8 मीटर का हो जाता वो, 10 मीटर हो जाता पानी का हाइट। और यदि ऐसा होता तो वो तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता, इसलिए मरकरी यूज करना इस हिसाब से फायदेमंद है कि कम हाइट के ट्यूब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करना पॉसिबल हो पाता है। तो बैरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट का बेसिक आइडिया तो आपके समझ में आ गया कि दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आराम से देखिए, एक वर्टिकल ट्यूब है, उसमें पानी, उसमें मरकरी भर देते हैं, और एक एक, एक बड़ा सा बर्तन है उसमें पहले से मरकरी भरा, वो बड़े वाले 1 मीटर वाले ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से को बंद करते हो अंगूठे से और उल्टा करके रख देते हो मरकरी का जो बर्तन है उसके ऊपर, और फिर अंगूठे को हटा लेते हो इस तरह से कि एयर के मॉलिक्यूलों को उस मरकरी वाले बर्तन वो ट्यूब में भीतर जाने का कोई मौका ना मिले। अब जो है मरकरी अपने वेट के कारण नीचे आता है और एक खास मोमेंट पे आके बैलेंस हो गया। जब बैलेंस होगा, लिक्विड का फ्लो नहीं है, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर एक जैसा होता है लिक्विड का, यह बेसिक रूल है। यदि एक जैसा नहीं होगा प्रेशर तो लिक्विड फ्लो करते दिखेगा, यदि फ्लो नहीं कर रहा तो एक जैसा होगा। तो 1 और 2 पे उसी लिक्विड के प्रॉपर्टी के कारण हमने देखा कि प्रेशर एक जैसा है, और वहां P1 P2 के बदले P0, क्योंकि वहां एटमोस्फियर मौजूद है धकेल रहा है नीचे, और 2 पे कौन, मरकरी का कॉलम है जो धकेल रहा है नीचे, रोजी एच। मरकरी का mg पता कर लेते, mg उसको mg पता करके उसको ए से एरिया ऑफ ट्यूब से डिवाइड कर देते तो प्रेशर वैसे रोजी एच आ जाता। m लिखते ना A × H × ρ, और उसके साथ जी उसको ए से डिवाइड करते कट गया, रोजी एच आ गया प्रेशर। अब ध्यान रखिएगा लिक्विड के एस हाइट के कॉलम का प्रेशर रोजी एच होता है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी एचजी कह देते हैं, ये रो क्या है। और आप जब कहीं कहते हैं प्रेशर 75 सीएम ऑफ एचजी कॉलम के बराबर, एचजी कॉलम मींस मरकरी कॉलम के बराबर, या केवल 76 सीएम या 75 सीएम बोल देते हो तभी लोग समझ लेते हैं अच्छा यार मरकरी की बात कर रहा होगा, उसके कॉलम की बात कर रहा होगा। यदि ट्यूब को टेढ़ा कर दे इंक्लाइन, तो भी बैलेंस के कंडीशन में वो जो प्रेशर के लिए हम देखते हैं वो हाइट ही देखते हैं, ट्यूब में इंक्लाइन में ज्यादा लिक्विड होगा मरकरी का, लेकिन वर्टिकल हाइट जो देखेंगे वो एच ही लिया जाएगा, तो रोजी एच। ये आता है वेव से अलग, बैरोमीटर एक टॉपिक है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मौजूद रहता है, तो घबराओ मत, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना वो कलेक्ट कर रहे हैं कि आप जब एचसी वर्मा बनाओगे ही नहीं तो आपको ये पॉइंट दिखाई नहीं होगा, इसलिए आपके मन में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लेकिन किसी ने यदि एचसी वर्मा उठाया होगा तो उनको दिख जाएगा, किसी ने एक्सरसाइज उठाया होगा तो भी उनको दिख जाएगा, ये इस तरह के आइडियाज पॉइंट। सोचो यदि कभी इस पॉइंट तक आप जब आ गए, यदि कभी आपसे कहा जाता है, चेंज करता हूं पेज, ये नोट कर लिया यहां तक, यस सर। यदि आप कहते हो कि एक छोटा सा रिलेशन है उसे भी समझ लो, बैरोमेट्रिक रिलेशन, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज होगा, नहीं भी समझ में आए तो कोशिश करें। हाइट के बढ़ने का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या असर होता होगा, तो ग्राउंड के पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एच हाइट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
उनके रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां। ध्यान से देखिएगा, ये हमने मान लिया ग्राउंड, यहां हो गया एच हाइट। एच हाइट जब हमने देखे तो एच हाइट पे हमने एयर का एक लेयर देखा। इस एयर के लेयर को, एयर का जो लेयर है, इसके कारण नीचे डीएमजी लग रहा होगा, नीचे से ऊपर प्रेशर पी वन इंटू ए लग रहा होगा, ऊपर से नीचे प्रेशर पी टू इंटू ए लग रहा होगा, और फिर भी यहाँ एक एयर का लेयर मौजूद है, एयर यहाँ मौजूद है। तो इक्विलिब्रियम यदि देखते हैं, ऑफ दिस लेयर ऑफ एयर, तो क्या लिख रहे होंगे, डीएमजी प्लस पी टू ए, ये किसके बराबर हो गया होगा, पी वन ए के बराबर हो गया होगा। पी वन माइनस पी टू, ये आ गया होगा डीएम, ए इंटू डी एच इंटू रो इंटू जी बाई ए के बराबर, और यहां माइनस इसे डीपी लिख सकते हैं, पी टू माइनस पी वन, पी टू पहले लिखते थे बाद में, और ये आ गया डी एच रो के बदले पी एम बाई आर टी इंटू जी। कहां से आपने याद किया हुआ है, प्रेशर जो होता है वन बाई थ्री रो वी आर एम एस स्क्वायर लिखते हैं आप, प्रेशर जो होता है वन बाई थ्री रो थ्री आर टी बाई एम लिखते हैं आप, वी आर एम एस का स्क्वायर लिखा है इसलिए। तो यहां से आपने पता कर लिया कि रो कितना होगा, रो के बदले आपने लिख दिया पी एम बाई आर टी इंटू जी, और ये जो रिलेशन है, यहां रिलेशन आ गया देखिए डी पी बाई पी, पी और रो में अंतर करिएगा, डी पी बाई पी इक्वल्स टू कैपिटल एम, वहां जो गैस है उसका मोलर मास इंटू जी, वो मिक्सर होगा तो मिक्सर का मोलर मास बाय आर टी इंटू डी एस, और साथ में यहां एक माइनस। अब इसे इंटीग्रेट करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के बारे में जब आप विचार करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी देखना होगा। तो एच तो जीरो से हम एच कह देते हैं, और प्रेशर पहले पी नॉट था और अब हो गया पी, मान लो एच हाइट के ऊपर। अब इसको मैं कलर चेंज करके रेड कलर से यहां लिख रहा हूं, ln p by p naught, इंटीग्रेट किया log p हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट log a माइनस log b log a by b, थोड़ा शॉर्ट में ये लिख दिया सीधे, और माइनस इंटीग्रेट करेंगे तो mg by rt तो कांस्टेंट है ही, dh इंटीग्रेट होके h हो गया, आपने log हटाया तो p by p naught किसके बराबर आ गया, e to the power माइनस ब्रैकेट में mg by rt into h। और यदि p के वैल्यू को देखते हैं तो ये आ गया p नॉट e टू दी पावर माइनस एम जी बाई आर टी इंटू एच। अब हमारे पास अवेलेबल है p का वैल्यू, ये जो डाटा है, ये जिसे आप देख रहे हैं, इसे आप कह रहे हैं बैरोमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ये हाइट के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है, हाइट के साथ ऐसा रिलेशन है, हाइट बढ़ती जाएगी
और हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर के बारे में आप कहोगे कि प्रेशर जो है ये घटता जाएगा, यहां पर आप चेक करें यदि इनका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये है, यहां पर लिखते हैं प्रेशर और यहां लिख रहे हैं हाई। तो ग्राउंड के पास तो प्रेशर है पी नॉट, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो ये कम होते देख रहे हैं इधर जाते। तो हम लोग ये इस रिलेशन को कहते हैं बैरोमेट्रिक रिलेशन। आप इस पॉइंट को एक बार में समझ जाएं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल रहता है, फिर भी आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए और मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले एक बार नोट कर लीजिए। सर आपने डीएम कैसे लिखा? डीएम कैसे लिखोगे? तो मास कैसे सोचते हो ये बताओ। तो मास के सोचने का कोई भी रास्ता तुम्हारे दिमाग में हो तो बोल दो। कहो सर वॉल्यूम डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे लिखोगे? यहाँ जो लेयर है जिसको मैंने पर्पल कलर कर दिया है उसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे एयर का? सर एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो कैसे सोचेंगे लेंथ? तो अरे एच के ऊपर में कौन सा लेंथ लिया होगा भाई, डी एच। एरिया हमने मान लिया एरिया ए, ओके सर। तो ए इंटू डी एच इंटू एयर की डेंसिटी रो इंटू एयर का टेम्परेचर टी, ये सब ध्यान रखते हैं। और फिर कहानी बन गई अपने पास ये मास वाला डीएम लिखने का। और मास वाला यदि डीएम हम लिख पाए तो ये काम तो अब आसान हो गया ना। ये रो को हमने रिप्लेस करने की सोची, तो रो को रिप्लेस करने के लिए कहानी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है कि प्रेशर का डेरिवेशन आपके पास है इक्वल्स टू 1/3 रो वीआरएमएस स्क्वायर। वीआरएमएस सीआरटी बाय एम याद किया हुआ है? नहीं याद किया हुआ है तो अब भी मौका है, याद कर लो। और यहां से आ गया रो का वैल्यू पीएम बाय आरटी, उसे उठा के डाल दिया। टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट जैसा ट्रीट किया है यहां, जिससे अधिक कॉम्प्लिकेटेड ना हो सिचुएशन। तो इंटीग्रेशन में उसको वैसे ही रहने दिया। और log 1 by x का इंटीग्रेशन log x पता है, ये कोई बड़ा मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो आपने कई बार देखा है। तो 1 by p का इंटीग्रेशन log p हो गया, dh का इंटीग्रेशन h हो गया, और log p में log a minus log b वाला आइडिया लिया तो log p by p not हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। माइनस को मैंने राइट साइड पहले ही ले आए थे। अब log हटेगा तो एक्सपोनेंशियल आता है दूसरी तरफ। और ये जो रिलेशन आप बाद में ढूंढ रहे होगे कि ये रेड कलर वाला ऊपर कहां से आया, वो यहां से निकल के यहां पहुंचा है, लास्ट वाला लाइन से फिर ऊपर लेके गया और फिर वहां से नीचे आया। और ये रिलेशन डब्बा वाला फाइनली हमने देखा। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कहूँ इस पे 10 बार क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको ये तरीका समझना पड़ेगा कि प्रेशर के वेरिएशन वाला कभी भी कोई क्वेश्चन सामने आए तो ये ऐसे छोटे छोटे सेक्शन के प्रेशर डिफरेंस डीपी को लेकर इंटीग्रल इक्वेशन बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रिलेशन आएगा। ऐसे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसको टॉप 1000 स्टूडेंट ही टच करेंगे, बाकी को पता भी नहीं चलेगा क्या कर। जिन लोगों के समझ में आया हो हैंड राइज कर लेना एक बार, मैं देखता हूं।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हैं जिन्होंने हैंड राइज किया है, ये खुशी की बात है। और बाकी बच्चे घबराना मत, मैंने पहले ही कहा कोई ये बार बार आने वाला आइडिया है नहीं। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ एक बार जब हम बात कर ही रहे हैं, ये केटीजी का पार्ट, वहां पे मिलेंगे क्वेश्चन। आपके सामने कह दिया गया है कि एक ट्यूब था हॉरिजेंटल और इस ट्यूब के ठीक मिड में मरकरी का कॉलम है, और ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर कॉलम। यहां ये 80 सेंटीमीटर ट्यूब है और लेफ्ट साइड में भी 80 सेंटीमीटर ट्यूब है। तो टोटल 1 मीटर ट्यूब है, यहां H2 गैस, यहां भी H2 गैस। ये पी प्रेशर और ये पी प्रेशर, टी टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर। अब देखिए, यदि मैं इस ट्यूब को, इस ट्यूब को हॉरिजेंटल के बजाय क्या कर देता हूं, वर्टिकल, वर्टिकल, तो आपको क्या लगता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्सा 80-80 सेंटीमीटर रहेगा? नो सर। तो यदि मरकरी के बारे में सोचोगे तो मरकरी वाला क्या अपना साइज बदलेगा? मरकरी हाईली डेंस है, वो तो अपना साइज बदलने से रहा, वो कितना रहेगा, वो अभी भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है, यदि वो एच कहोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एच हो जाएगा। 90 माइनस एच क्यों, ये समझ में आया क्या? यस। टोटल कितना था, टोटल 100 ही तो था, चेक करो ना, 80 प्लस, तो टोटल 170। हाँ, चेंज करता हूं मैं, 170 नहीं, 160 माइनस एच जो है वो नीचे वाला। अब क्या लग रहा है आपको, क्या अब भी प्रेशर एक जैसा होना चाहिए? नो सर। तो प्रेशर ज्यादा कौन होना चाहिए? प्रेशर जो है ज्यादा कौन होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, नीचे जो होगा ना P2A, ये ऊपर धकेल रहा है, P1A और MG मरकरी का नीचे की तरफ होगा, P2A P1 प्लस A इंटू, ये यदि 10 कहते हैं, 10 इंटू रो इंटू जी, ए इंटू 10 इंटू रो, यदि समझ में आया हो तो देखिएगा, ए को देखो हटा दो, कहां कहां से चला गया। तो आपको ये जो P2 और P1 में डिफरेंस दिख रहा है वो किसके बराबर आ गया, 10 इंटू रो इंटू जी, ये 10 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम के बराबर आ गया। तो आप वैसे भी सोचो, वेट कॉलम के कारण नीचे जो प्रेशर होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, जो नीचे वाला P2 होगा ऊपर का P1 और प्लस रोजी H0 जो बनेगा मरकरी वाले कॉलम का, वो मरकरी वाले कॉलम का, वो दोनों मिल करके होंगे प्रेशर। मतलब
आप जो मरकरी का इफेक्ट देख रहे हो ना, वो वेट नीचे धकेल रहा है और ऊपर वाला प्रेशर भी नीचे, उसको बैलेंस नीचे से ऊपर आने वाला प्रेशर करेगा, तो नीचे से ऊपर आने वाला प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इवन आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि हाई कौन होता है, तो आप तुरंत ये प्रेशर डिफरेंस जो है दोनों तरफ के डब्बों का वो लिख सकते हैं 10 cm of Hg column के बराबर, वो डायरेक्ट लिख देंगे। और अब यदि आपको देखना है कि यार इनके एच का वैल्यू क्या होगा, तो रिकॉल करो, प्रैक्टिकली सोचो, मुझे ये बताओ क्या ऐसा कोई दुर्घटना होते दिख रहा है कि टेम्परेचर अचानक से बदल जाए। लेफ्ट टेम्परेचर टी है और राइट में टेम्परेचर टी है, तो क्या ऐसा कुछ घटना यहाँ सीधा करने पर ट्यूब के होगा? नहीं सर, टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बदल जाए किसी भी कारण से? नहीं सर, लग तो नहीं रहा, तो टेम्परेचर को मैंने टी माना। अब कैसे पता चलेगा कि ये एच कितना होगा? तो एच कितना होगा के लिए ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल जो देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, या इसको कह सकते हैं कोई साइड का नाम दे देते हैं, ये x और ये y। अब ये x नीचे आ गया है और ये y ऊपर आ गया है, ये ऐसे हमने वर्टिकल कर दिया। तो n जो होगा x में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, तो एक बार देखिएगा, ऐसे देखते हैं, n जो होगा x में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में और नंबर ऑफ मोल जो होगा x में वर्टिकल कंडीशन में, क्या वो बदल गया होगा? नहीं सर, मोल्स नहीं बदलेंगे। उसी तरह दूसरा इक्वेशन आप लिखना चाहेंगे, n जो होगा y साइड में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में और n जो होगा पहले x, हाँ y साइड में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, और उसी तरह n जो होगा नंबर ऑफ मोल y साइड में वर्टिकल कंडीशन में, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इक्वेट कर दो, रिजल्ट आ जाए। तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन के टाइम पे कहीं यदि मरकरी का कॉलम दिख जाता है तो उनको ऐसे प्रेशर डिफरेंस में यूज में ले सकते हैं। मरकरी का कॉलम कहाँ यूज में लेंगे? प्रेशर डिफरेंस में यूज में लेंगे। सर आपने मरकरी को नीचे शिफ्ट क्यों नहीं किया? बालक मरकरी को नीचे शिफ्ट नहीं किया क्या? देखो तो मरकरी का 10 cm के बदले 2 cm हो जाएगा। मरकरी का क्या वॉल्यूम बदल गया है? अकल लगाओ थोड़ा सा। अरे मरकरी का मास बदल गया क्या वर्टिकल करने पे? मास नहीं बदला तो क्या वॉल्यूम बदल गया होगा? वॉल्यूम नहीं बदला तो क्या मरकरी कॉलम का हाइट बदल गया होगा? नो सर। इसीलिए वो 10 का 10 ही तो रहेगा, पोजीशन केवल बदलेगा, स्लाइड कर जाएगा मरकरी ट्यूब में नीचे ऊपर कहीं। अब समझ में आई या नहीं आई? यस सर। मरकरी ना शिफ्ट कर सकता है, वो चिपका नहीं है, फंसा हुआ है ग्लास के ट्यूब में। ये तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ये ग्लास ट्यूब है तो मरकरी जो है वो शिफ्ट हो लेगा इधर उधर, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से वो धकेल लेगा दूसरी तरफ। हॉरिजॉन्टल जब है तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर होगा, क्योंकि वहां mg का कोई रोल नहीं पड़ रहा, मरकरी का रोजी एच का कोई रोल नहीं है। लेफ्ट से जितना प्रेशर आ रहा है राइट से जितना, वो बराबर होगा तभी मरकरी इक्विलिब्रियम में होगा, वरना मरकरी एक्सलरेट करता दिखेगा। एम मास का टुकड़ा दोनों तरफ के फोर्स बराबर तभी वो रुका है, नहीं तो एक्सलरेट होता दिख जाए। लेकिन जब वर्टिकल है तो यदि वो रुका है तो वहां प्रेशर का डिफरेंस है, नीचे वाले पोर्शन पे सरफेस पे मरकरी के हायर प्रेशर होगा, ऊपर वाले पे कम, उनका डिफरेंस मरकरी के उस एच कॉलम के प्रेशर के बराबर होगा। क्या मैं उम्मीद करूं ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। जो आपने ny हॉरिजॉन्टल इक्वल टू ny वर्टिकल निकल, सर वो मोल लिखा, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के भाग गए कबड्डी खेलने कहीं पर, या मरकरी में छेद करके निकल के चले जाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ? मरकरी मेटल होता है,
मरकरी रास्ता नहीं देगा गैस को एक तरफ से दूसरी तरफ मिक्स होने के लिए जाने के लिए। अब बताओ क्या नंबर ऑफ मोल बदलना चाहिए? नो सर। नंबर ऑफ मोल तो गिनती है ना मॉलिक्यूलों की, मॉलिक्यूल जब कहीं गए ही नहीं तो एक्स वाला पोर्शन जो पहले था वो उसमें चाहे हाइड्रोजन होता या हीलियम होता कुछ भी होता, जो एक्स वाला जिसे आप एक्स कहते हो चाहे लेफ्ट वाले को कह लो या राइट वाला, लेफ्ट वाला यदि एक्स कहा, यदि वो नीचे आया है तो नीचे उसके और ऊपर जो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट है दोनों जगह वो नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि गैस तो कहीं गई ही नहीं, ना तो वो मरकरी को क्रॉस करके उधर गया ना ही बाहर निकला है, तो नंबर ऑफ मोल इसलिए बराबर किया हम। ओके अरे मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया सान्या, कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछो। yes, आप यदि ये पॉइंट समझ गए हो तो मैं पेज चेंज करता हूं एक छोटा सा आइडिया और समझाने के लिए। यदि ट्यूब ऐसे हो, ध्यान से देखो तो, और यहां मरकरी का कॉलम दिख रहा है, यहां ये Hg कॉलम है, Hg कॉलम है 20 सेंटीमीटर का, या 10 ही कहा था पहले तो 10 ही सेंटीमीटर, फिर से देख लो 10 सेंटीमीटर का, और ये इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से 30 डिग्री। तो अब जो आप प्रेशर देखोगे P1 और P2, इसमें ज्यादा प्रेशर किसका होगा पहले तो ये बता दो। ज्यादा प्रेशर किसका होना चाहिए, P1 का या P2 का? P2 का। अरे वाह वाह शानदार जरा। और P2 माइनस P1 जो है जिसे आप डेल्टा P कह रहे हो उसमें वो कितने कॉलम के बराबर होगा? तो ये H0 कॉलम के बराबर नहीं होगा, ये H0 कहने के बजाय इसे देखिएगा, ये वाला होगा वर्टिकल, ये जो दोनों जगहों से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगी इन लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हम लेंगे, वर्टिकल हाइट चाहिए होगा मुझे। क्या चाहिए होगा? वर्टिकल हाइट। तो सोचो तो यदि तुम्हारा ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 30, तो ये हाइट कितना आ जाएगा जो एच आप एच नॉट लेना चाहते हो, एच लेना चाहते हो, वो एच कौन सा लेने वाले हो आप? ये वाला एच लेने वाले हो, 10 साइन 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एच जी कॉलम के बराबर, 5 सेंटीमीटर Hg कॉलम के बराबर ये होगा प्रेशर डिफरेंस 1 or 2। तो यदि कभी इंक्लाइंड रखा जाए पाइप ट्यूब ग्लास का तो उसमें जो मरकरी कॉलम होगा उसके कारण जो दोनों तरफ के गैस में प्रेशर का डिफरेंस आएगा उसके लिए वर्टिकल हाइट ढूंढिएगा, लेंथ नहीं ले लीजिएगा मरकरी का। क्या मैं मान के चलूं कि ये पॉइंट भी थोड़ा सा समझ में आया? यस सर। डायग्राम बना लेना ये कंसेप्ट की तरह। चेक करिए अगला एक्शन नोट। सर इसमें P2 ज्यादा क्यों है P1 से? अबे तुम्हारे सर पे तुम्हारा बक्सा रख दूंगा तो सर पे ज्यादा प्रेशर होगा कि बक्से के ऊपर में ज्यादा प्रेशर होगा? सर सर के ऊपर। हाँ बस बस। तो यहाँ पे किसके ऊपर ये मरकरी रखा हुआ दिख रहा है, नीचे वाले कॉलम के ऊपर? P2 के ऊपर। हाँ, तो नीचे वाले कॉलम के सर पे रखा हुआ है मरकरी तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, नहीं तो रख के देख लो बक्सा एक घर का उठा के अपने सर पे। दिख गया? दिख गया सर। हाँ बस बस, नहीं तो बक्सा उठा के रखो, फील कर सकते हो उसे, कोई टेंशन नहीं।
ऐसे कर लिया, तो वैसे भी सोच के देखो ना भाई, यदि यहाँ पर मरकरी है तो मरकरी पे इधर से उधर फोर्स लगा रहे हो तुम M1 P1A या नीचे वाला P2A, ऊपर से नीचे लगा रहे होगे P1A, और इसका जो Mg है उसके Mg का इधर कंपोनेंट आया होगा Mg साइन थीटा ऐसा ही तो, या Mg साइन फाइ ऐसा ही तो कुछ आया होगा। तो कौन सा ज्यादा दिख रहा है तुम्हें यदि ये इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में तो यही लिखोगे ना P2A बराबर Mg साइन फाइ Mg साइन फाइ प्लस P1A। तो देखो कौन बड़ा हो गया, P2 माइनस P1 किसके बराबर हो जाएगा? Mg साइन फाइ बाई A के बराबर। तो कौन बड़ा दिख रहा है, P2 या P1? सर P2 ग्रेटर देन 0 है तो P2 इज ग्रेटर देन P1। बात समझ में आई या नहीं? आ गई सर। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। और ये फाई यही वाला फाई है तो भी एंगल इंक्लाइन प्लेन पे जैसे ब्लॉक रखते थे तो Mg sin फाई Mg sin थीटा देखते थे वही वाली बना। या तो FBT बना के देख लो तब भी समझ जाता है ये कॉलम क्या है, ये मरकरी का कॉलम था और उसके बैलेंस की मैंने बात की इक्विलिब्रियम ऑफ Hg कॉलम, उससे ये चला आता है। पेज चेंज करूं? यस सर। यहां एक टर्म आता है फॉल्टी बैरोमीटर, रीड्स सेवेंटी 5.5 cm of Hg column atmospheric pressure when actual is 76 cm. Now find reading of atmospheric pressure some other day when actual pressure is 74 cm of Hg column while Hg column while नहीं Hg column by the same faulty barometer. बड़ा लंबा चौड़ा ये महाभारत आ गया आपके सामने। Faulty barometer reads 75.5 cm of Hg column atmospheric pressure when actually 76 cm. Now find the reading of atmospheric pressure some other days when actual pressure is 74 cm of Hg column by the same faulty barometer.
आपको सेम फॉल्टी एक बैरोमीटर दिख रहा है, क्या रीडिंग दे रहा है ये आपको बताना है, कहानी आपके सामने है। पहले नोट करिए और नोट करने के बाद आपके नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं और इसको डिटेल डायग्रामेटिक करूंगा, तो आप इससे कंफर्टेबल होंगे। क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन वाला पेज चेंज करूं क्या? यस सर। शो करेगा भाई। वाह क्या बात है, शानदार जवाब। मैं भी बना के देखता हूं, इतना स्पीड में तो मैं भी नहीं बना सकता। अब पेज चेंज करूं क्वेश्चन वाला। यस सर। यहां देखिए, आपने जब कहा फॉल्टी बैरोमीटर, तो फॉल्टी बैरोमीटर की क्या परेशानी है कि जो एक्चुअल में बैरोमीटर के ऊपर आप क्या कहते थे कि बैरोमीटर के ऊपर होना चाहिए वैक्यूम। यदि वहां वैक्यूम नहीं होकर के एयर पहुंच जाए तो वो फॉल्टी बैरोमीटर हो गया। जो पी नॉट दिख रहा है वो कहा गया एक्चुअल उस पहले वाले दिन केस वन 76 cm of Hg एक्चुअल है, एक्चुअल। और रीडिंग कितना दिखा रहा है, रीडिंग दिखा रहा है 75.5 cm। तो ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो पार्ट होगा वो बाकी कितना होगा, 100 माइनस 75.5, इसे हमने मान लिया 24.5 cm। और वहां उतने cm में कौन मौजूद है, एयर। अब यदि कोई पूछे आपसे कि एयर यदि है तो एयर का कुछ प्रेशर भी तो होगा, बताओ ये P1 कितना होगा, एयर का प्रेशर वहां जो एयर है 0.5 cm of Hg। अब ध्यान से देखो, ये 0.2 है और ये 0.3 है। तो जब आप P2 और P3 को बराबर लिखना चाहते हो तो P2 तो एटमॉस्फेरिक वाला हो गया P0, और P3 कितना होगा, ऊपर में है P1 और उसके बाद ये मरकरी कॉलम है रो G 75.5 और ये P0 क्या है 76 rho G। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, ये P1 किसके बराबर आ गया 0.5 cm of Hg के बराबर आ गया। अब इतना मेहनत मत करो, आप तो ये देखो कि ये जो डिफरेंस होगा ना टू और थ्री वाले पॉइंट पे वो P1 ही होगा। टू और थ्री वाले पे जो डिफरेंस आएगा प्रेशर का वो P1 ही होगा। तो इधर है 76, यहाँ है 75.5, दोनों में बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ इसके कारण क्योंकि ऊपर से एयर भी धकेल रहा था। तो P1 आपको पता चल गया 0.5 cm of Hg कॉलम। तो P1 आपके पास आ गया एयर का प्रेशर 0.5 cm Hg कॉलम के बराबर प्रेशर।
अब यहां तक यदि आप आ गए तो कहानी में निश्चित रूप से आपका इंटरेस्ट होगा कि अब केस टू के बारे में विचार विमर्श किया जाए। फिर से वही ट्यूब, आपने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि कहा गया सेम क्वालिटी बैरोमीटर यूज करना है। सर आपने 100 कैसे मान लिया ट्यूब का लेंथ? हाँ यार, और नहीं दिया गया है कुछ तो याद रखते हैं कि बैरोमीटर ट्यूब लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब आपको उस दिन की बात करनी है जिस दिन एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या था, पी नॉट डैश 75 cm ऑफ Hg। और इस दिन जो यहां P1 होता वो P1 नहीं होकर के P1 डैश हो गया होगा, एयर का बदला होगा कुछ, और यहां पर भी हाइट कुछ बदल गया होगा, अब 75.5 के बदले H होगा, और यहां ग्रीन कलर वाला जो हाइट हम देख रहे हैं एयर के कॉलम का, वो हम कह देंगे 100 माइनस एच। इसमें कोई खास बात तो है नहीं। और आपको पता है कि P1 डैश मैं कैसे लिखूंगा, P1 डैश लिख दूंगा 75 माइनस एच सीएम ऑफ Hg कॉलम। यहां तक चले आए? यदि यहां तक चले आए तो अब आप सोचो। सर आपने क्वेश्चन में एक्चुअली 74 लिखा था। 74 सॉरी चेंज करता हूं, यदि ये 74 है तो 74 ही फिर करते हैं 74, और यहां भी फिर 74। अब मुझे ये बताओ, क्या आपके दिमाग में ये आइडिया है कि फॉर द एयर कॉलम P1V1 equals to P1-V1- because yes, T constant, क्योंकि टेम्परेचर में अचानक तो कोई चेंज की चर्चा की नहीं गई, तो जो बर्तन होगा उसके भीतर जो एयर होगा उसका अचानक से तो टेम्परेचर बदला नहीं होगा, तो P1V1 equals to P1-V1- तो P1 के बदले क्या लिख देंगे 0.5 rho g प्लस मल्टीप्लाई करेंगे V1 से। V1 ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं, V1 हो जाएगा एरिया इनटू हाइट 24.5। दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ जो डाटा लिखेंगे इक्वल्स टू में, वहां जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं इक्वल्स टू वाला डाटा। प्रेशर लिख रहा हूं 74 माइनस एच इंटू रोजी, और हाइट क्या लिखने वाले हैं, हाइट लिखने वाले वो वॉल्यूम क्या लिखने वाले हैं, एरिया इंटू 100 माइनस एच। तो रोजी ए तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन 0.5 इंटू 24.5, और आगे कौन आया 74 माइनस एच इंटू 100 माइनस एच, और मैथमेटिक्स तो आप लोग हैं महारथी, अननोन कितने दिख रहे हैं, एक सॉल्व हो ही जाता है कभी कभी, एच का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से निकल आएगा। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक आइडिया ध्यान रखना है कि एयर जो मरकरी के ऊपर है वो एक बर्तन में गैस है वैसा सोचो, और बर्तन में गैस के लिए नंबर ऑफ मोल फिक्स रहेगा उस पे फोकस करना। यदि आपको टेम्परेचर भी फिक्स दिख गया तब तो फिर NRT सारा कांस्टेंट, तो P1V1 equals to P1-V1- यूज कर दी। तो मोस्ट ऑफ द केस में टेम्परेचर ऐसे केसेस में
सेम ही आप लेकर के प्रोसीड करते हैं, नहीं कुछ चर्चा किया गया तो किया गया तो उसी को भी लेके नंबर ऑफ मोल बराबर कर देते। सर हाँ बोलो सर, आपने सर P1 डैश कैसे बताया? अरे रहस्य है रहस्य, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, एक ही लेवल ये 2 और ये 3, P2 और P3 क्या होने चाहिए एक जैसे, P2 कितना है 74 रोजी और P3 कितना होगा P1 डैश प्लस रोजी H। अब बताओ P1 डैश कितना हो गया, 74 माइनस H रोजी नहीं दिख रहा है? यस सर। अरे तो कौन सा मंगल ग्रह का कंसेप्ट है यार, सिंपल तो आइडिया है, नहीं मन मान रहा सर आगे। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आते तो आपके हाथ खड़े हो जाते हैं, ना सर ये मैं नहीं बनाऊंगा। अब कम से कम एक बार ट्राई तो करोगी, मैं उम्मीद तो करूं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, फिर भी बने तो अच्छी बात, नहीं बने तब भी क्या कह सकते। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज कर लें तो एक बार, एटलीस्ट आइडिया यदि लगे कि हाँ यार ठीक है समझ में आ जाएगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। इन लोगों के समझ में आ गया बड़े खुशी की बात है, और बाय चांस जिनके नहीं आया हो आपको मैं फिर यही कहता हूं कि ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में आए ही आए, कम यूज में आते हैं लेकिन दिखते हैं क्वेश्चन, दिखते हैं तो थोड़ा सा एक अभी से कोशिश जारी रहेगी तो उम्मीद है कि दिखें तो शायद आप सही भी कर दें। पेज चेंज करूं? यस।